सत श्रीकाल पंजाब टुडे देख रहे हो तुसी। पंजाब समेत पांच राज्यों के चोन नगारा वज चुका है, चोन बिगल वज चुका है। इलैक्शन कमिशन दे वलों पांच राज्यों के अज तो चोन जाबता भी लागू कर दिता गया है। पंजाब दे विच 14 फरवरी नूं वोटां पैणगियां, जिसके नतीजे 10 मार्च नूं आउणगे। इस तों इलावा पांच राज्यों के विच वख-वख पड़ावां तहत वोटां पाईआं जाणगीआं, जबकि पंजाब दे विच इक्को पड़ा दे तहत 14 फरवरी नूं ही वोटिंग होवेगी। तुहानूं दस दईए कि चोन कमिशन सतीश चंद्रा ने कहा है कि कोविड नियमां दे करके इस बार 16% पोलिंग बूथ भी वधाए गए हैं। चोन पाउण दे समें विच एक घंटे का वाधा भी किया गया है। इस तों इलावा उन्होंने चोन उम्मीदवारों इस बार वर्चुअल मीटिंग करने लिए प्रेरिया है। उन्होंने कहा है कि कोविड नियमों को ध्यान में रख के 15 जनवरी तक किसी भी रोड शो या रैली की इजाजत नहीं होगी। चोन कमिशन सतीश चंद्रा ने सारे मामले से विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के खास मुद्दे से की कुछ कहा है, आओ सुनते हैं। पंजाब इन वन फेस, उत्तराखंड इन वन फेस, गोवा इन वन फेस। सो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड एंड गोवा इन सेकेंड फेस। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा विल बी ओवर एंड हेयर द इशू ऑफ नोटिफिकेशन विल बी 21 जनवरी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस 28 जनवरी। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 29 जनवरी एंड लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 31 जनवरी। मैं नवनीत मिश्रा हूं, राजस्थान पत्रिका से। हाँ जी। पंजाब में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, ऐसे में आपकी क्या तैयारियां हैं वहां पे सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, कमीशन ने इन सब का भी पूरा आकलन किया है, सुरक्षा का एंड लॉ एंड ऑर्डर का, और उसके लिए सफिशियंट CFPF कंपनीज विल बी डिप्लॉयड इन ऑल द स्टेट कंसिडरिंग द पोजिशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड एनी अदर थ्रेट परसेप्शन। नीरज, न्यूज 18 इंडिया, नेटवर्क 18 से। हाँ नीरज, मेरा सवाल पंजाब से जुड़ा हुआ है लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। आपने CFPF की बात की, उनकी तैनाती तो आमतौर पे रेगुलर वे में होती है तमाम चुनाव में, लेकिन कृषि कानूनों का केंद्र रहा पंजाब, बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान से, हाल में ड्रोन के जरिए आतंकी हमले भी हुए हैं, इसके अलावा भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, बेअदबी का मामला सामने आया स्वर्ण मंदिर में, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग के लिए ये एक मेजर कंसर्न नहीं है पंजाब का विधानसभा चुनाव इस बार? क्योंकि पहले भी दूसरी वजहों से पंजाब में चुनाव स्थगित या थोड़े वक्त के लिए टाले गए हैं, तो कैसे देख रहा है चुनाव आयोग इस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में? नीरज, नो इलेक्शन इज द सेम, एवरी इलेक्शन इज डिफरेंट, एवरी स्टेट इज डिफरेंट, और कमीशन हर चीज को उसका आकलन करता है, लोगों से डिस्कशन करता है, जहां थ्रेट परसेप्शन हैं, जहां पर इस तरह का फॉर्मल एजिटेशन है, हम लोगों ने जहां जहां भी गए हैं सभी लोगों से इसके बारे में भी चर्चा की है कि कौन कौन से एरिया में किस किस तरह से फार्मर रेजिस्ट्रेशन हुआ, कहाँ कहाँ विड्रॉल हो चुका है, कहाँ क्या सिचुएशन है। तो इन सभी तथ्यों का हम लोगों ने आकलन किया है और पूरे कमीशन ने जो भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनसे बात की है, हर सुरक्षा की सुरक्षा एजेंसी जो बॉर्डर पर है उनसे भी और जो स्टेट में है उनसे भी, इन सबका पूरा संज्ञान लेकर ही इस कमीशन ने इलेक्शन का अनाउंस किया है। आशीष सर, हेलो सर, नमस्कार, मोहित दुबे, न्यूज नेशन से सर। सर, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब से हिंदुस्तान में लोकतंत्र शुरू हुआ है कि पहली बार रैलियों पर बैन किया गया है, वर्चुअल रैलियां होंगी, नुक्कड़ सभाओं को भी आपने बैन लगा दिया है, तमाम जो सियासी दल हैं उल्लंघन करते हुए कहीं ना कहीं पिछली बार भी नजर आए थे, इस बार अगर वो उल्लंघन करते हैं तो क्या अगर कोई कैंडिडेट है तो उसकी आप उसको रद्द कर देंगे उसकी कैंडिडेचर को, या क्या उनके ऊपर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है और मॉनिटर कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, ये मॉनिटरिंग का काम जो है बेसिकली जो मैंने अभी कोविड गाइडलाइंस में बताया कि वहाँ का जो DO है, DM एंड CS हु आर द अथॉरिटीज अंडर SDMA आल्सो, दे विल हैव टू टेक ए कॉल, आवर पर्संस, आवर CO, आवर ऑब्जर्वर्स विल बी देयर टू एंश्योर दैट दिस थिंग शुड बी एब्सोल्युटली फॉलोड, and if anybody does it we will cancel his rally, we will not allow him to have more rallies into this particular area. So if we do not allow, initially we have already banned up to 15th, as I am telling you, we will further review because situation is very dynamic. I don't know how the situation will emerge, whether it is in accelerating or it is decelerating. It is quite possible after some time it may come down quite drastically or it may come up drastically, so we will increase
the situation, we will see the situation, we will definitely monitor, and the prime responsibility, as I have already spoken to you, that it will rest with the DM and the chief secretary, and we will take action against them also. And our persons are already there, expenditure of all observers, general observers, they are there only to see this. And we will ensure that it should happen. Because we are trying first time if something is being done, आगे बढ़िए तो सही, देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। बीच के ब्लॉक से हम शुरू करें। इसी से जुड़ा सवाल है सर, चुनाव के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपना नाम? मेरा नाम मुर्शिद करीम है, मैं बंदे मातम से हूँ। उसी से रिलेटेड सवाल है, आचार संहिता उल्लंघन होने के बाद चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करते, वहां के डीएम वगैरह करते जैसे आपने कहा, लेकिन चुनाव के बाद उन नेताओं पे कार्रवाई पूरी तरह से नहीं होते हैं, वो बच के निकल जाते हैं, आखिर क्यों? देखिए ऐसा है, इस बार हम जहाँ जहाँ भी गए, पांचों चारों स्टेट में हम लोग गए, और हम लोगों ने इसी की समीक्षा की कि 2017 में जो भी पोल ऑफेंसेस में FIR फाइल हुई थी उनका क्या हुआ, एंड वी हैव सेंट अवर DECs आल्सो टू मॉनिटर इट, एंड इन सम ऑफ द स्टेट वी फाउंड दैट दे हैव बीन टेकन टू लॉजिकल कंक्लूजन्स, some fines have been given, somewhere the imprisonment have been given to those candidates also. So they have taken this stock and you will ensure this. Now earlier it is quite possible that monitoring might not have been done, but we will monitor this aspect, and the purpose was only to monitor during our visits to all the state was this only, that we should make them aware that the electoral offences will have to be taken to logical conclusions, they cannot remain pending. This is Shahid Abbas from Informant Media. Just hold on. Hello. Sir. Yes, sir. One by one. Hello. Shahid Abbas from. Hello. Sir, this side. On your straight. On your straight. Hello. Yes. I am Shahid Abbas from Informant Media. I want to ask that it is the duty of the poll panel to ensure level playing field for all stakeholders. Now, since the model code of conduct comes into effect with immediate announcement of the schedule, sir, the Union budget will be presented on 1st of February as per established practice. The President of India will address the joint session of Parliament before that, and also the economic survey of India will also be laid in the Parliament sometimes just before the budget. Now, sir, will that ensure, and you will perhaps allow that proceedings to go on. Yes, now, will that allow, ensure living playing field for all stakeholders? Budget is there's a yearly statement which has to be laid before the parliament, and it has to be announced. The election commission will not like to interfere in the presentation of budget, because that is for the whole country, not limited to these five states only. And that is ultimately the summing up and the allocation of expenditure, the revenue raising measures. So how the level playing field will be disturbed, this thing? The level playing field will not be disturbed by the budget. सर, मैं पीयूष पांडे हूँ TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल ये है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं और इसके अलावा जो रैलियां हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो किस तरह की निगरानी की व्यवस्था की गई है, राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं, और अगर उल्लंघन होता है तो तत्काल प्रभाव से किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे? देखिये, ये मैंने अभी बताया भी था आपको कि जो इसकी जिम्मेदारी दी गई है टोटली, वो चीफ सेक्रेटरी और जो डीएम है, जो कि SDMA अथॉरिटी के इंचार्ज हैं, उनको दी गई है कि अगर कोई भी उल्लंघन हुआ, दे विल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम आल्सो, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड वी विल टेक एक्शन, वी विल नॉट डिटर टू टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर्स आल्सो इफ दे डू नॉट वॉच इट प्रॉपरली। सर, दो छोटे छोटे सवाल है मेरे। पहला सवाल यह है कि सर, यूपी में आपने ये नहीं बताया कि जो चरण वाइज जो सीट्स कौन कौन सी रहेंगी, और जो मांग की गई थी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि हर बार यूपी में जो चुनाव होता है वो वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट में होता है, उसको इस बार बदला जाना चाहिए, उस पर कमीशन ने क्या डिसाइड किया है और हर चरण में कितनी सीटें रहेंगी? दूसरा सवाल यह है कि सर, चुनाव आयोग ने बिहार और पश्चिम बंगाल से क्या सीखा है, क्योंकि वहां भी SDMA और NDMA जो भी गाइडलाइन जो एक्ट है तभी वहां लागू था, पिछली बार भी, बावजूद इसके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया था कि आप लोगों ने स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल्स को इन्फोर्स नहीं कराया, तो उससे क्या सीखा, और इस बार आप लोग कैसे स्ट्रिक्टली उसको इन्फोर्स कराएं, क्योंकि आखिर में आपको ही ब्लेम किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पहला तो यह है, आपने चुनाव बताया कि कैसे यूपी का कैसे 7 फेस में होगा, दैट मैप विल बी गिवन टू यू,
और किसी पार्टी ने वहां पे हमसे शायद एकाध किसी पार्टी ने कहा होगा, किसी पार्टी ने भी इस तरह की हमसे कोई डिमांड नहीं करी थी कि ईस्ट से बेस्ट कराइए। हमने जो पहले किया गया है और हमने इनका बड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया है इस बार, जैसे 403 ACs हैं हमारी, तो हमने बड़ा इक्विटेबल इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि पहले फेज में 58, सेकेंड फेज में 55, थर्ड फेज में 59, फोर्थ फेज में 60, फिफ्थ फेज में 60, सेवन्थ फेज में, सिक्स फेज में 57, सेवन्थ फेज में 54। सो दे आर वेरी इक्विटेबल दिस टाइम एंड वी हैव रीओरिएंटेड होल दिस थिंग, बट इट इज वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, टोटली वेस्ट टू ईस्ट। एंड सेकेंड क्वेश्चन विच यू हैव रेस्ड, सेकेंड क्वेश्चन विच यू हैव रेस्ड, आई वुड लाइक टू से that as you are aware, and I think you must be reading also all the, you know, where is the more cases of the corona. I think the maximum is in Maharashtra, followed by Delhi, Karnataka, and I don't think there's any election in this area. Is there any election here? No. Everything is still rising. So we cannot say that corona is only because of the elections. It can be anything. It is general natural flow of the corona, that how it can be generated. So naturally we have taken consideration, like I told you, that positivity rate we have taken into consideration, and still we have prepared our electors absolutely with the full vaccination this time. In earlier times they were not fully vaccinated. So we have ensured that the maximum person should be fully vaccinated, because the poll will be going in held to be held in February. And we have got the whole month of this particular month, so that the persons can be fully vaccinated, they can be absolutely taken care of, and otherwise the action will be taken strictly as per the SDMA, and we will ensure that that action should be taken. Sir, महिला जर्नलिस्ट से ले लूं, वो बड़ी हाँ, देर से पूछना चाह रही है। पूनम आप शुरू करें। महिला पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर मैं पूनम हूं अमर उजाला से। इस मर्तबा शायद पहली बार मैं कमीशन की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही हूं। आप लोगों ने जिस तरीके से अपराधीकरण के लिए बोला कि अपने उम्मीदवार को जानिए और ये भी बताइए कि आपने उस उम्मीदवार का चयन क्यों किया है, yes. तो इसको लेकर आयोग कितना गंभीर है? क्या हम ये माने कि इस मर्तबा पारदर्शी चुनाव के साथ साथ ऐसे चुनाव पर भी आयोग का जोर है कि साफ सुथरे उम्मीदवार आए और पारदर्शी चुनाव हो? पूनम जी आपने बहुत ही अच्छा यह सवाल उठाया, और इसके लिए आयोग पूरी तरीके से सजग है, और इसीलिए हम लोगों ने ये इवन ऐप भी बनाया है, नो योर कैंडिडेट। यू कैन गो ऑन दैट ऐप, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द चॉइस ऑफ ए वोटर, बट वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म द वोटर अबाउट द कैंडिडेट्स, एंड द पार्टी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ऑन देयर वेब पेज, फर्स्ट होम पेज, दैट वाई दे हैव सेलेक्टेड दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड बाई इग्नोरिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम देयर इज नो अपराधीकरण टाइप ऑफ ए थिंग और क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। सो अल्टीमेटली द चॉइस इज विद द वोटर, बट वोटर शुड बी फुल्ली एब्सोल्युटली क्लियरली इन्फॉर्मड। लोगों के साथ जिन सारे के साथ बैठक की है अभी, जाएंगे, खत्म कर क्या उनमें से किसी ने आपको ये राय भी दी है कि कोरोना के चलते ये जो चुनाव है कुछ वक्त तक आगे टाले जाने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की राय हो या राज्यों की राय हो? और दूसरा सवाल सर ईवीएम को लेकर है, क्योंकि जब भी चुनाव हो जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी हारती है आपके ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, तो आपकी अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक हुई हो, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ईवीएम को लेकर अभी भी आपसे कहा है कि ईवीएम इज नो इशू नाउ? ईवीएम इज इन एग्जिस्टेंस सिंस 2004 एंड मोर देन 350 करोड़ वोटर्स हैव यूज्ड दिस ईवीएम मशीन। यू शुड फील प्राइड ऑन ईवीएम, you should feel pride that your country has got developed this machine which give you very accurate result, accurate system and a faster counting.